शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगीय धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लाल चौकी क्षेत्र में चल रहे गेज परिवर्तन कार्य का लिया जायजा। इंदौर से आए निर्माण विभाग के इंजीनियरों से महू सनावत खंडवा रेल प्रोजेक्ट की गति के संबंध में जानकारी ली। सांसद ने लाल चौकी क्षेत्र पहुंचकर खंडवा सनावत गेज परिवर्तन कार्य के अंतर्गत लाल चौकी क्षेत्र से गेज परिवर्तन कार्यों का जायजा लिया तथा निर्माण विभाग के इंजीनियरों से कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी ली और दोपहर में लाल चौकी क्षेत्र पहुंचकर तेज गति से चल रहे गेज परिवर्तन कार्य को देखा तथा रेलवे अधिकारियों से मऊ सनावत खंडवा गेज परिवर्तन कार्य की गति की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लाल चौकी क्षेत्र वासियों की परेशानियों से निर्माण विभाग के इंजीनियरों को अवगत कराया, जिसमें क्षेत्रवासियों की मांग की गई है कि उपरोक्त रेल मार्ग को नागचुल से निकल रहे बाईपास रेल मार्ग से ही मथेला होकर खंडवा तक रेल मार्ग बनाया जावे। इस पर निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि लाल चौकी क्षेत्र में किया जा रहा कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। वाया मथेला से होकर खंडवा रेल मार्ग बनने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इसमें लंबा समय लगेगा, यह रेलवे बोर्ड के द्वारा ही संभव हो पाएगा। इसके लिए रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड के अधिकारी ही निर्णय लेंगे, हमारा कार्य 2 महीने का बचा है। सांसद पाटिल ने लाल चौकी क्षेत्रवासियों को फाटक बंद होने की स्थिति में लंबी कतार होने की स्थिति को देखते हुए रेल अधिकारियों को अवगत कराया। इस पर रेलवे के निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने कहा कि वह उच्च अधिकारियों को सांसद जी की चिंताओं से अवगत कराएंगे तथा लाल चौकी क्षेत्र से कोई अंडरपास निकल जाए इसके लिए सर्वे भी कराएंगे। सांसद पाटिल ने सनावत खंडवा महू के विभाग के इंजीनियरों से प्राप्त की। इंजीनियरों ने बताया कि जुलाई तक रतलाम मंडल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आने वाले रेल मार्ग को वह पूरा कर लेंगे। अगले महीने नर्मदा पुल का टेंडर और सनावत के मुख्तार बलवाड़ा के बीच भी अगले 2 महीने में टेंडर जारी हो जाएंगे। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी होती ही सनावत महू के बीच कार्य शुरू किया जाएगा, तो 2025 तक पूरा करना तय किया गया है, जो बहुत ही तेज गति से किया जाएगा। ओंकारेश्वर बड़वाह के नए स्टेशन बनाए जाएंगे जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार वे कार्यों को तेज गति से कर रहे हैं। देखिए, रेलवे का जो ट्रैक बनने की कगार पर जो काम चल रहा है, उसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिकों का भविष्य की समस्या को देखते हुए उन लोगों की चिंता यह है कि ये ट्रैक जब चालू हो जाएगा तो फिर आने वाले समय में जिस तरह से पहले जो परेशानियां होती थी कि ट्रेन आ रही है तो फिर जाम लग रहा है, तो फिर यह वही स्थिति बनेगी और शहर जो है इस ट्रैक की वजह से शहर 2 भाग में बटेगा। तो 2 भाग में शहर ना बटे और लोगों को रोज़ जाम लगे ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए लोगों की जो चिंता है उस चिंता को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आज यहाँ बुलाया था कि इस समस्या का समाधान किस तरह से हम कर सकते हैं कि यहाँ से कहाँ सियाड़ा से चलती ना मथेला जो कोयले की रेक जाती है सेल्दा के लिए, तो उस ट्रैक से जोड़ दे तो उस ट्रैक से जुड़ जाएगा, तो ये जो रोज़ की जो झंझट रहेगी वो झंझट से भी मुक्ति मिलेगी और लोगों में कहीं ना कहीं उसको एक आज डर लग रहा है कि जाम लगेगा, फिर ओवर ब्रिज बनाना पड़ेगा, ओवर ब्रिज बनेगा तो कई लोगों की दुकान टूटेगी, किसी का घर टूटेगा। तो हम हमारी सरकार जो मोदी जी की सरकार, किसी का घर बर्बाद करने के लिए नहीं, हर व्यक्ति का घर आबाद करने के लिए, तो इसमें से जो भी अधिकारियों से चर्चा करके किस तरह से समस्या का समाधान हो सकता है, इसके लिए हम सब लोग आज यहाँ पर मुआयना करने के लिए आए थे। आज मुआयना किया है, संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करके दिल्ली से मंत्री जी से हो सकता है तो मंत्री जी से चर्चा करेंगे और संबंधित अधिकारी से होगा तो अधिकारी के साथ बैठकर चर्चा करेंगे कि समस्या से लोगों को निजात मिले। इन लोगों का तो यह है कि 2025-26 तक के ट्रैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 25-26 तक के खंडवा से लेकर तो इंदौर महू का जो ब्रॉडगेज है
वो कंप्लीट हो जाएगी, रेल दौड़ना शुरू हो जाएगी। कई तरह की दिक्कतें भी आ रही थी। देखिए जो दिक्कतें आ रही थी कुछ तो फॉरेस्ट की दिक्कतें थी, कई इसमें जो है कि पहाड़ी में टनल करीबन 11-12 किलोमीटर तक के टनल बनना है, तो जब टनल बनना है पहाड़ी को खोदकर तो दिक्कत तो जाएगी। पहले दो इंजन लगाकर ट्रेन आती थी, लेकिन अब क्योंकि पीएमओ कार्यालय खुद इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है और जो कुछ समस्याएं थी वो समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा और इस काम को बहुत तेज़ी के साथ गति मिल रही है।